अभी बस है एक लास्ट वाला पोकेमॉन, इसके बाद और एक पोकेमॉन और फिर घर जाएंगे, नहीं तो रात भर इधर पोकेमॉन ही पकड़ते बैठेंगे। अरे दे दे, उड़ गए तोते, उड़ गए बहुत सारे तोते बैठे थे। जैसे खिड़की खोली उड़ गए। चलो संडे खत्म, मंडे चालू, बट क्या सभी दिन एक जैसी है हमारे लिए। चलो चाय पीते हैं, ब्रश करके हो गया है, अंगद भी उठ गया है, अंगद ब्रश कर रहा है, चाय बनाते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। का एक्चुअल ऊपर क्या चल रहा है ना जरा देखना पड़ेगा, बहुत आया इधर से हिल नहीं रहे। कैमरा आगे डालता हूँ और चेक करता हूँ। अरे इकड़े या होल मध्ये ना, या होल मध्ये बहुतेक त्यांनी ना पिल्ले टाकले आहेत माहितीये का, अंडी टाकली असतील किंवा पिल्ल असतील त्यांनी, त्याच्यामुळे ते ना जात नाहीत बघ इकडे येऊन बसलेत। हे उडके गए ते वापस आ गए। बोल टू, बाय बाय, बाय बाय, आम्ही चाललो। हां बाय बाय, चलो जा रहे अभी नाश्ता करने को। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द चैनल। काय खाणार? पोहे। पोहे अंगद को पोहे मंगाया है, मैंने मुझे खिचड़ी मंगाई है साबूदाना की खिचड़ी। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा BSNL, मुझे फाइबर ऑप्टिक्स का प्लान लेना है, फॉर्म तो लिया हुआ है, साइन वाइन करके आज सबमिट कर दूँगा वहाँ। होपफुली जल्दी से जल्दी फाइबर ऑप्टिक्स आ जाए तो मेरा अपलोडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। खिचड़ी पाएगा तुला नको थोड़ी? पोहे संपो सगळे, पार्सल नको हुआ आज का? गूगल पे, गूगल पे। चलो बाय। चलो BSNL में फाइबर ऑप्टिक का न्यू कनेक्शन के लिए फॉर्म सबमिट कर दिया, बट ये गवर्नमेंट ऑफिसेस है ना हमेशा डेंजर रहते हैं, एकदम इनफिशेंट लोग काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका एकदम टिपिकल गवर्नमेंट ऑफिसर जैसा रहता है। ठीक है चलो, फॉर्म तो सबमिट कर दिया एंड फाइबर ऑप्टिक्स इज़ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, होपफुली आने वाले लोग अच्छे रहेंगे। हमारे यहाँ पे ब्रॉडबैंड तो बहुत सारे हैं बट फाइबर ऑप्टिक्स अभी फिलहाल सिर्फ BSNL प्रोवाइड कर रहा है। BSNL का क्या स्पीड जब तक रहता है अच्छा रहता है, बट अगर वो बंद पड़ गया तो उनके सर्विस का भगवान ही मालिक है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पूरे ऑफिस में दो ही लेडी बैठी थी जिनको टेक्निकल कुछ भी नॉलेज नहीं है और वो सिर्फ फॉर्म सबमिट करके ले रही थी, बाकी बोले ये नंबर पे कॉल करो आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हमें कुछ भी मालूम नहीं है। BSNL में जाने का हर एक एक्सपीरियंस ऐसा ही रहता है, मतलब उनको ज़बरदस्ती काम पे बिठाया ऐसे लगता है। जब तक ये चेंज नहीं होगा ना BSNL ऊपर नहीं आने वाला। इतना अच्छा नेटवर्क होने के बावजूद भी प्राइवेट प्लेयर्स BSNL को मार दे रहे हैं बिकॉज ऑफ BSNL का सर्विस, BSNL का वर्किंग स्टाइल। सिंस ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो सब लोग आराम से काम करते हैं। इनका जो फाइबर ऑप्टिक्स है उसका स्पीड अच्छा है, 50 Mbps डाउनलोडिंग, 50 Mbps अपलोडिंग है, एंड स्पेयर के लिए मेरे पास हैथवे का भी इंटरनेट रहने वाला है, सो मेरा दोनों काम हो जाएगा। काय खेळतो तू? पोकेमॉन गो। पोकेमॉन गो? पोकेमॉन गो मध्ये मी आता या एरिया मध्ये। ये ओल्ड गेम है बट अभी जस्ट उसने डाउनलोड करके साइन इन किया है, मैंने करा के दिया उसको, अकेला बैठे बैठे बोर हो रहा। तो एंड बोल्ट ने मॉर्निंग को पेडिग्री खाया, अभी बैठा है, अभी दोपहर का पेडिग्री उसको दूंगा। अभी हम लोग एक अभी 2:45 अंगद और मैं नीचे जाके खाना खा के आएंगे। अभी मैं नीचे सोसाइटी ऑफिस में था, कल से हमारी सिक्योरिटी हम उन्होंने चेंज करी है, तो थोड़ा काम था सोसाइटी ऑफिस में, कंप्यूटर अपडेट करना था एंड सिक्योरिटी को भी उनका काम समझाना था, तो वो थोड़ा नीचे बैठा था, अभी जस्ट ऊपर आया हूँ। आज थोड़ा धूप अच्छा है बट आज थोड़ा ठंडी भी गिरेगा। कल क्या हो गया, कल थोड़ा बादल आए थे तो उतना ठंडी शाम को नहीं गिरा था, बट आज स्काई वैसे क्लियर लग रहा है, फिर भी थोड़ा हेजी है बट थोड़ा ठंडा है। एंड पेड़ों को पानी देना है, वो एक दे देता हूँ मैं। पौधों को पानी डाल के हो गया, अभी थोड़ा बालकनी साफ कर लेता हूँ। बोल्ट ने सुसु जो किया है साफ तो करना पड़ेगा।
अंदर पोकेमॉन खेल रहा है मोबाइल में, पोकेमॉन पोकेमॉन गो। हम लोग को नीचे जाके पोकेमॉन ढूंढने पड़ेंगे बहुत सारे। 3-4 साल पहले बहुत ज्यादा फेमस हुआ था ये गेम पोकेमॉन गो। हमारे पीछे सिटी पर एक कोथरूड करके सिनेमा थिएटर है, वहाँ पे बहुत भीड़ जमा हो गई थी। बाद में तो पुलिस भी आई थी बिकॉज ऑफ दैट भीड़, वो सब पोकेमॉन ढूंढ रहे थे। आज अंगद वो पोकेमॉन गेम खेल रहा है तो मुझे वो याद आ गया। कल यहाँ पे एडिटिंग को बैठा था, शाम को बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए थे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मच्छर का स्प्रे वगैरह मार के, नहीं तो पैर को बहुत काटते हैं। ओके, नाउ द बालकनी इज क्लीन, पूरी साफ करके ले ली। यहाँ पे भी नीचे पूरा ऑल क्लियर। क्या बोल्टू सुसु करता है ना, थोड़ा पानी मारना अच्छा रहता है। ये एक्सरसाइज एवरी डे करते हैं, मॉर्निंग को एक बार मौसी आती है वो करती है एंड शाम को हम लोग करते हैं। अंगद पोकेमॉन खेल रहा है, घर के घर में ही घूम रहा है। मतलब घर पे पोकेमॉन नहीं मिलेंगे, बाहर जाना पड़ेगा। तो सामने वाले बस स्टॉप पे एक पोकेमॉन है तो बोला अपन जाते हैं उधर पोकेमॉन पकड़ने को। हाँ जाइए का पोकेमॉन पकड़ाया, स्कूटर वरती जाओ अपन। हम लोग नीचे जाके आते हैं जरा खाना लाने को एंड साथ साथ अंगद के पोकेमॉन भी पकड़ लेते हैं। यहाँ पे एक पोकेमॉन रहने वाला है तो हम लोग अभी गाड़ी रुकाते हैं और गाड़ी रोक के चेक करते हैं। हेलो चलो एक पोकेमॉन पकड़ लिया, अभी दूसरा पोकेमॉन हमारा पीछे है, उधर जाते हैं। अभी हम पराठा लेने को आए हैं। दोपहर के खाने के लिए पराठा ले लेते हैं, एक पनीर पराठा एक आलू पराठा बोला है। फिर यहाँ से हम लोग पीछे जाएंगे पोकेमॉन ढूंढने को। हल्ला दो पोकेमॉन मिले अंगद को, दो सपड़ला होगा। हाँ है ओके, पकड़ तो पटकन चला। अभी बस एक लास्ट वाला पोकेमॉन, इसके बाद और एक पोकेमॉन और फिर घर जाएंगे, नहीं तो रात भर इधर पोकेमॉन ही पकड़ते बैठेंगे। अजून एक पुढे थांबा थांबा, क्या खाना खाने का अपने वो थांबा थांबा का है। रात्री पकडू तर पोकेमॉन आपण, आता एक पोकेमॉन था अभी तीन तीन मिल गए इसको, झाले आहे तर जाऊ आपण पोकेमॉन गोळा करू। अभी घर पे आते हैं, खाना खा के उसको लेक्चर को बैठना है और एक लेक्चर के बाद हमको नेट जाना है शाम को। अरे रॉकेट, मॅडम जी का स्कूटर का तो रॉकेट हो गया है। आता खूप वेळ जाईल, चलो अभी निकलते घर पे। ये पोकेमॉन इधर इधर 7-8 पोकेमॉन मेरे को ही दिख रहे, 7-8 पकड़ते पकड़ते एक आध घंटा निकल जाएगा। कुठली पाहिजे तुला? मला ते ऑरेंज आहे, ऑरेंज वाली। कोला ब्लास्ट कॉम्प्युटर ना, आता जर आठवत नसत तर दांडी मारायला लागली असती, दांडी मारली असती फटके दिले असते तुला। आज मैंने मेरा भी किट लिया है, बहुत दिनों बाद शाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वेरी कूल कूल लग रहा है। दोपहर में गर्मी रहता है, सन रहता है, पसीना आता है, धूप लगता है, ड्रेनिंग होता है, बट शाम का क्लाइमेट इज़ वेरी प्लीजेंट। दोपहर में प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैचेस दोपहर को होती है, बट प्रैक्टिस सेशन अगर शाम को करोगे तो ड्यूरेशन और ज़्यादा कर सकते हैं। इस 5 o'clock नाउ, एक घंटा कर रहा है फिर भी थकान नहीं लग रही है, इनफैक्ट पसीना भी नहीं आया ये टाइम। आज मैंने बैग तो लाई है मेरी किट के साथ, होपफुली बच्चों का नेट्स होने के बाद मैं मेरी प्रैक्टिस करूँगा। संकेत को बुलाया, अगर वो आता है तो मैं प्रैक्टिस करूँगा। आलास का या लवकर या, संकेत आया, संकेत और हम लोग करेंगे बाद में प्रैक्टिस। चलो जाते हैं बैटिंग पे, देखते हैं बहुत दिनों बाद बैटिंग जमती है क्या। अच्छी बैटिंग हुई, बहुत दिनों बाद करी तो थोड़ा थकने को हुआ, थैंकफुली क्रैम्प्स नहीं आए, बट एक बॉल टो पे लग गई, फ्रंट टो पे इन स्विंगिंग यॉर्कर थी, लग गई ऑलमोस्ट। मैंने 3 महीने बाद बैटिंग की आज, तो अकॉर्डिंग टू दैट अच्छी खासी रही। संकेत अभी बैटिंग कर रहा है, उसको थोड़ा बॉलिंग डालते। दिस सेशन इज ओवर, निकलते हैं घर पे। प्रक्षुति और अग्नि निकले थे मुंबई से, शायद अभी घर पे पहुंचे रहेंगे।
आज संख्या ने एक साइड आर्म से डाला हुआ बॉल मेरे फ्रंट टो के दो उंगली पे बैठा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। घर पे आके आइसिंग करना पड़ेगा अभी, कल दो दिन तो पक्का खाएगा ये इंजुरी रिकवर होने को। होपफुली हेयरलाइन फ्रैक्चर ना हो, छोटे इंजुरी पे ही निकल जाए। आज का फर्स्ट दिन था 4 से 6 बजे के बाद का और 6 से 8 का। बच्चे आना चालू होंगे जैसे ठंडी चालू होगी वैसे। नज़ारा देख रहे हैं क्या पीछे कैसे दिख रहा है? अभी पीछे है ना फॉग समझ में आ रहा है, फॉग आना चालू हो गया, लाइटिंग वाइटिंग शुरू हो गया। दोपहर का तो समझते नहीं है, रात को अच्छा दिखता है। ये हमारी एकेडमी है, यहाँ पे लॉन टेनिस भी है, बास्केटबॉल भी है एंड क्रिकेट भी है। बहुत दिनों बाद एक डेढ़ घंटा बैटिंग की है मैंने, पैर दर्द कर रहा है बॉल लगाए तो। चलो तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियोस पे कमेंट कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए एंड नॉट ओनली सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों एज ऑलवेज बाय फॉर नाउ।